है एवरी वन यूनिट थ्री लॉज ऑफ मोशन का एक और वीडियो लेके आ गए पहले क्या किया था लीनियर मोमेंटम क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ भी किया था एम्पल्स और एप्लीकेशन्स ऑफ इम्पल्स इनको समझना है तो पुराने वीडियो देखो और इसमें क्या करने वाले हैं इसमें हम पढ़ेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेशन ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड वी विल प्रूव दैट न्यूटन सेकेंड लॉ इज़ द रियल लॉ चलो शुरू करते हैं क्या पता होना चाहिए भाई फोर्स क्या होती है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है मोमेंटम क्या है पी इक्वल टू एम वी फॉर्मूला होता है न्यूटन सेकेंड लॉ जिससे एफ इक्वल टू एम ए निकलता है चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्शन एंड रिएक्शन टेक्स ऑन डिफरेंट बॉडीज ठीक है तो हमने दो बॉडीज कंसिडर की ए और बी ठीक है ए ने बी के ऊपर फोर्स लगाई सो फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी दैट इज एफ ए बी ठीक है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ बी भी ए के ऊपर फोर्स लगाएगा उसे हमने कहा माइनस ऑफ एफ बी ए क्योंकि क्या बोला था इक्वल एंड ऑपोजिट दैट्स दिस माइनस क्योंकि ऑपोजिट है ठीक है तो हम लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ बी एप्लीकेशन देखते हैं थर्ड लॉ की पहला आता है वॉकिंग तो जब एक बंदा चल रहा है तो वो क्या करता है ग्राउंड को प्रेस करता है बैकवर्ड डायरेक्शन में यानी कि वो हो गया एक्शन तो ये हो गया एक्शन देखो उसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है और ये हो गया एक्शन तो उस केस में क्या होगा ग्राउंड क्या है उस पर्सन को फॉरवर्ड पुश करेगा ठीक है रिएक्शन होगा ठीक है तो ये हो गई रिएक्शन फोर्स ना अब हम क्या करते हैं रिएक्शन को दो कंपोनेंट्स में डिसॉल्व करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ठीक है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या करता है आगे चलने में मदद करता है यानी कि ये वाला और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो बॉडी वेट को बैलेंस कर रहा है दूसरा एग्जांपल स्विमिंग ठीक है ध्यान से देखो इस एनिमेशन को चलिए अब समझते हैं देखिए स्विमर क्या कर रहा है वाटर को बैकवर्ड पुश कर रहा है यानी कि ये हो गया एक्शन तो वाटर क्या करेगा स्विमर को आगे की तरफ पुश करेगा यानी कि रिएक्शन तो क्या होगा आगे की तरफ जाएगा पर्सन तीसरा ड्राइविंग अनेल नेल इनटू ए वुडन ब्लॉक विदाउट होल्डिंग द ब्लॉक इज डिफिकल्ट ठीक है तो जब आप क्या कर रहे हैं हैमर से स्ट्राइक कर रहे हैं सो दिस इज एक्शन अब अगर ये स्टेशनरी है तो ये क्या प्रोवाइड करता है रिएक्शन फोर्स बट अगर ये आपका यहां होल्डेड नहीं है तो क्या होगा प्रॉपर रिएक्शन ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा आपका नेल प्रॉपरली अंदर नहीं जाएगी और यही लिखा हुआ है रिबाउंडिंग ऑफ अ रबर बॉल तो ये देखो रबर बॉन्ड रिबाउंड कर रही है ठीक है तो अब जब रबर बॉल फ्लोर से टकराती है तो वो होता है एक्शन ठीक है तो ये हो गया एक्शन क्लियर तो बॉल रिबाउंड क्यों कर रही है क्योंकि फ्लोर उस पर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है यानी कि रिएक्शन सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ प्रूव करते हैं ठीक है पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट लॉ को प्रूव करेंगे सेकेंड लॉ से सेकेंड लॉ से हम जानते हैं एफ इक्वल टू एम ए ठीक है अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो एफ इक्वल टू ज़ीरो एम ए इक्वल टू ज़ीरो अब एम तो ज़ीरो हो नहीं सकता यानी कि ए इक्वल टू ज़ीरो ए की, की जगह लिख सकते हैं वी माइनस यू अपॉन टी या हम लिख सकते हैं वी माइनस यू इक्वल टू जीरो या वी इक्वल टू यू ठीक है इसका मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है यानी कि यू इक्वल टू जीरो तो वी भी ज़ीरो आएगा या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में यानी कि u इक्वल टू वी जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो वो अपनी जिस स्टेट में वही रहेगी इसी को तो हमने फर्स्ट लॉ कहा था तो फर्स्ट लॉ हमने प्रूव कर दिया सेकंड से चलिए अब थर्ड लॉ को प्रूव करेंगे सेकंड से तो हमने एक आइसोलेटेड सिस्टम कंसिडर किया आइसोलेटेड मतलब बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही है इस सिस्टम में दो बॉडीज हैं ए एंड बी जो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है ठीक है तो हमने कहा पी ए है लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी ए पी बी हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी बी एफ ए बी फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी एंड एफ बी ए फोर्स एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए ठीक है अच्छा फोर्स अप्लाइड बाय ए ऑन बी विल रिजल्ट इन चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ बी क्योंकि जब ए ने बी पे फोर्स लगाई तो मोमेंटम तो बी का चेंज होगा ना यानी कि एफ ए बी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी बी सिमिलरली जब B A के ऊपर फोर्स लगाएगी तो मोमेंटम क्या A का चेंज होगा यानी कि एफ बी ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी ए ना एफ ए बी प्लस एफ बी ए तो डी बाई डी टी ऑफ पी बी प्लस डी बाई डी टी ऑफ पी ए इसको लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी ठीक है अब कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रही थी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के हिसाब से लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है तो ये वाली टर्म आ गई जीरो ठीक है तो हम लिख सकते हैं एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ बी ए और यही तो थर्ड लॉ था तो हमने क्या किया सेकेंड लॉ से थर्ड को भी प्रूव कर दिया तो हम सेकेंड लॉ से फर्स्ट और थर्ड दोनों को प्रूव कर पा रहे हैं इसका मतलब सेकंड लॉ इज द रियल लॉ चलिए अब कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं यहां क्या दिया हुआ है? टू आइडेंटिकल बिलियर्ड बॉल्स स्ट्राइक अ रिजिड वॉल विद द सेम स्पीड बट एट डिफरेंट एंगल्स एंड गेट रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड एज शोन इन द फिगर वॉट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल एंड द रेशियो ऑफ मैग्निट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड बाई द टू बॉल्स ऑन द वॉल ठीक है भाई तो पहला केस देखते हैं ठीक है हमने क्या कंसिडर किया बॉलर से बैट्समैन यानी कि लेफ्ट टू राइट को हमने पॉजिटिव ले लिया तो ऑब्वियसली राइट टू लेफ्ट नेगेटिव होगा तो इनिशियल मोमेंटम होगा एम यू फाइनल मोमेंटम होगा माइनस ऑफ एम यू माइनस इसलिए क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है और जो वेलोसिटी थी वो तो सेम ही थी इसीलिए यू रखा ठीक है चेंज इन मोमेंटम कितना होगा फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि माइनस ऑफ टू एम यू ठीक है अब इम्पल्स क्या होता है चेंज इन मोमेंटम तो इम्पल्स भी कितना आएगा माइनस ऑफ टू एम यू और डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है वॉल के नॉर्मल है क्लियर हो गया ये तो इम्पल्स जो है वो हमने निकाली आई इक्वल टू टू एम यू ठीक इसी को कंटिन्यू करते हैं सेकंड केस के लिए चलिए कंटिन्यू करते हैं अब ये सेकंड वाला डायग्राम है इसके हिसाब से हम निकालने की कोशिश करेंगे ठीक है तो इसमें देखो इनिशियल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम निकालने के लिए हमने ये जो यू था इसको दो कंपोनेंट्स में किया ठीक है एक तो होगा आपका एम यू कॉस थर्टी जो हॉरिजॉन्टल होगा और दूसरा होगा एम यू साइन थर्टी जो वर्टिकल होगा ये एरो इस साइड क्यों है क्योंकि ये इस साइड जा रहा है इसीलिए याद करो जब हम नॉर्मली बनाते हैं तो आपका रिजोल्व करते हैं वेक्टर को तो अगर आउटवर्ड होता है तो हम ये ऊपर की तरफ और ये इस साइड बाहर की तरफ लेते हैं तो अगर ये अंदर आ रहा है तो ऑब्वियसली एरोज भी ऐसे ही आएंगे ठीक अच्छा अब फाइनल मोमेंटम में ये देखो ये बाहर जा रहा है तो उस सिनेरियो में आपका ये देखो ब्लैक में बनाया, कितना हो गया माइनस ऑफ एम यू कॉस थर्टी अब ये माइनस क्यों लिया क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट को पॉजिटिव लिया था तो राइट टू लेफ्ट तो नेगेटिव ही होगा ये हॉरिजोटल में आ गया वर्टिकल में आ गया एम यू साइन थर्टी ठीक अच्छा चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग वर्टिकल क्या होगा फाइनल विच इज एम साइन थर्टी माइनस इनिशियल एम यू साइन थर्टी विच गिव ज़ीरो चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग हॉरिजोंटल कितना निकलेगा वो होगा माइनस ऑफ एम यू कॉस थर्टी माइनस एम यू कॉस थर्टी दैट इज़ माइनस ऑफ टू एम यू कॉस थर्टी डिग्री ना इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम दैट इज़ माइनस ऑफ टू एम यू कॉस थर्टी डिग्री डायरेक्शन होगी नॉर्मल ये दिखाई दे रहा है डायरेक्शन नॉर्मल होगी क्योंकि ये तो कैंसिल आउट ही कर गया था कुछ नहीं है ठीक सेकेंड पार्ट के लिए आई बाय आई डैश निकालना था वैल्यूज रखी तो वो निकलता है टू बाय थ्री चलिए सेकेंड क्वेश्चन अ रोप इज ओवर लेस पुली, अ मंकी होल्ड्स ऑन टू वन एंड ऑफ द रोप एंड अ मिरर हैविंग द सेम वेट एज द मंकी टू अदर एंड ऑफ द रोप एट द लेवल कैन द मंकी गेट अवे फ्रॉम हिज इमेज सीन इन द मिरर बाय क्लाइंबिंग अप द रोप बाय क्लाइंबिंग डाउन द रोप बाय रिलीजिंग द रोप बढ़िया क्वेश्चन है चलो ये हमारी पुली हो गई ये हो गया मंकी और ये हो गया मिरर जिसमें अपनी शकल देख रहा है ठीक है अच्छा जब मंकी ऊपर चढ़ रहा है ये देखो जो ऊपर चढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है रोप को नीचे की तरफ पुश कर रहा है जो वो रोप को नीचे की तरफ पुश करेगा तो भैया ये वाला मिरर वाला पार्ट भी ऊपर ही जाएगा ठीक है तो उसमें क्या हुआ इमेज तो दिखाई दे रही है ठीक तो मिरर उसके सामने होगा और वो इमेज अपनी देख लेगा ठीक फिर क्या कर रहे हैं सेकेंड केस में क्या किया क्लाइंबिंग डाउन अब वो क्लाइम्बिंग डाउन कर रहा है तो देखो यहाँ से वो रस्सी छोड़ता जाएगा तभी तो नीचे आएगा जब वो रस्सी छोड़ेगा तो ये यह रस्सी यहां नीचे आएगी ठीक है तो ये खुद नीचे जा रहा है तो मिरर भी नीचे जाएगा यानी कि अपनी इमेज तो दिखाई देगी तीसरा केस ले लेते हैं अब अगर इन्होंने छोड़ दी रस्सी तो दोनों ही फ्री फॉल में तो उस में भी अपनी इमेज उसे दिखाई देगी यानी कि किसी भी सिचुएशन में अपनी इमेज से छुटकारा नहीं पा सकता चलिए रिकैप का टाइम आ गया न्यूटन्स थर्ड लॉ टू एवरी एक्शन देर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं एग्जाम्पल्स हमने देखे वॉकिंग स्विमिंग असाइनमेंट का टाइम मात्र पास क्वेश्चन है ट्राई करो वीडियो को पॉज करके उसके बाद प्ले करो और चेक करो तुम्हारे मेरे आंसर्स मिलते हैं या नहीं चलिए पहला क्वेश्चन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस डू नॉट बैलेंस ईच अदर क्यों भाई क्योंकि दो अलग अलग बॉडीज़ पे लग रही है तो बैलेंस कैसे होंगी बी पार्ट वाई डज अ स्विमर पुश द वॉटर बैकवर्ड्स क्यों क्योंकि रिएक्शन ऑफ वाटर से फिर वो आगे की तरफ जाएगा इसीलिए वो वॉटर को बैकवर्ड पुश करता है एक्सप्लेन वाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम टी स्पेस तो ये होगा हॉर्स एंड कार्ट ठीक है हॉर्स कार्ट को मूव क्यों करता है क्योंकि एक्शन अप्लाइड बाय द हॉर्स ऑन द ग्राउंड तो ये हो गया एक्शन ठीक है रिएक्शन होगा अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द फीट ऑफ द हॉर्स एम टी स्पेस में रिएक्शन मिलेगा ही नहीं पॉसिबल ही नहीं है तो हॉर्स पुल कैसे कर पाएगा कार्ट को क्वेश्चन नंबर थ्री टू ब्लॉक्स ऑफ मासेज एम वन एंड एम टू आर कनेक्टेड बाय लाइट स्प्रिंग एंड ऑन स्मूथ हॉरिजोंटल सरफेस ठीक है द टू मासेज आर पुल्ड अपार्ट एंड देन रिलीज प्रूव दैट द रेशो ऑफ देयर एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मासेज ठीक है एफ वन इक्वल टू माइनस ऑफ एफ टू एफ वन की जगह एम वन ए वन एफ टू की जगह एम टू ए टू तो क्या लिख सकते हैं ए वन बाय ए टू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एम टू बाय एम वन तो एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास प्रूव हो गया क्वेश्चन नंबर फोर अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर व्हाट इज द इम्पल्स द बॉल ये तो एग्जांपल जैसा ही है ठीक है तो ये 45 था टोटल ठीक है टोटल 45 तो ये 22.5 22.5 में हो गया ठीक है

और अगला वीडियो किस चीज़ का देखना आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम थैंक यू सो मच